हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की होंगी कोई भी इक्वेशन वन वेरिएबल, मतलब कि जिसमें कोई भी एक्स वगैरह हो, 2x = 3x + 9, मतलब जी एक्स की पावर ऑफ वन है, उन्होंने की कहें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होंगे जिसे एक्स की वैल्यूज हो और कॉन्सटेंट हो। ठीक है, कॉन्सटेंट कौन होता, जो मैथ वाला टर्म होंगी वो कॉन्सटेंट है, एंड जिस एक्स या वाई कोई भी इंग्लिश अल्फाबैटिक लग्या हो वेरिएबल। फर्स्ट सम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट एक्सरसाइज 2.3 का। तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी है, उतने एक्स वाई जो भी इंग्लिश का अल्फाबैट दिता वो वैल्यू आएगी, उन्होंने चेक करना कि सही है या नहीं। फर्स्ट सम देखो, 3x = 2x + 8। इस तुहानू मैथड पता, अगर कोई भी इंग्लिश के अल्फाबैट नाल वेरिएबल नाल कोई कॉन्सटेंट ऐड हुंदा तां उह दूसरी साइड चला जांदा। इत्थे अपने कोल की है 3x, दैट मीनस आपां 2x इधर लैके आवांगे, वेरिएबल वाला पार्ट 3x - 2x इक्वल दे दूसरी साइड की रह गया 8, उन्होंने एज इट इज लिख लिया। 3 चो 2 माइनस करेंगे की आजूगा x = 8, एक्स की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 8। हुण जदों तुसीं चैक करना, चैक किवें करना, 3x = 2x + 8 स्टेटमेंट लिख ली, एक्स की वैल्यू अपने कितनी फाइंड की है 8, दोनों साइड एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 8 = 2 × 8 + 8, 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16, 16 + 8 = 24, LHS = RHS, दैट मीनस अपनी एक्स की वैल्यू की है करैक्ट आ। अगर थोड़ा इतने वैल्यू लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं इक्वल आती, दैट मीनस थोड़ी एक्स की वैल्यू कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकेंड सम 5t - 3 = 3t - 5, सेम वेरिएबल वाले एक साइड कर लेने, कॉन्सटेंट वाली वैल्यू एक साइड कर लेनी है। हुण तुसीं 5x तो नाल की ले लोगे, इस साइड 3t पॉजिटिव दा सी, दूसरी साइड जाके की हो गया नैगेटिव दा, 5t - 3t - 5 एज इट इज़ -3 सी, दूसरी साइड जाके की हो जूगा प्लस दा। जो कोई नंबर इक्वल दे दूसरी साइड जाता गा, ऑपोजिट साइड जाता, तो वैल्यू आ जड़ी अपना साइन चेंज कर दी है, जे प्लस होएगी तो माइनस होएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगी। हुण जिहड़े टी वाली वैल्यूज़ ने इन्हां नूं सॉल्व कर लो, 5t - 3t की आ गया 2t - 5 + 3, 5 चो 3 माइनस करेंगे की आ जाएगा -2, हुण आ वाला 2 इस साइड जाके ओवर चलेगा, -2/2 कैंसल चला गया, टी वैल्यू कितनी आ गई -1। वही वैल्यू हुण तुसीं चेक करन दी है, पुट कर देनी है, 5t - 3 = 3t - 5, टी की जगह -1 पुट कर दो, 5 × -1 - 5 - 3, 3 × -1 - 3 - 5 होती है, 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 8, -, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड = RHS। नेक्स्ट थर्ड सम 5x + 9 = 5 + 3x, सेम एक्स वाली वैल्यू एक साइड कर लेनी है, कॉन्सटेंट वैल्यू एक साइड कर लेनी है, 5 की जगह 5x - 3x आ गया, क्योंकि 3x इधर प्लस का सी, दूसरे जाके की हो जाएगा नैगेटिव का, 5 है इदा ही उतार लिया, हम इधर प्लस है 9 से, दूसरे तरह जाके की हो जाएगा -9, 5 चो 9 माइनस करेंगे -2, 5 चो 3 माइनस करोगे -2x। इतने प्लस का क्यों आया, क्योंकि 5 अगे प्लस से, इतने माइनस क्यों आया, क्योंकि वड्डा नंबर की सी 9 अगे की सी नैगेटिव से। हुण आ वाला 2 × x तो नीचे जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हुण 2 नूं 4 से डिवाइड करो, 2 × 2 = 4, वैल्यू की आएगी एक्स की -2। हुण यही वैल्यू तुसीं चेक करनी स्टेटमेंट पुट कर देना, जिथे एक्स उत्थे की पुट कर देना, -2, 5 × 2 = -10 + 9, 5 उदा ही, 3 × 2 = -6, 5 × 6 - करो -1, -10 × 9 + - की होता -, करोगे की हो जाएगा -1, LHS = RHS। फोर्थ सम 4z + 3 = 6 + 2z, जैड वाली वैल्यूज एक साइड आएगी, कॉन्सटेंट वैल्यू एक साइड, 4z - 2z = 6 - 3, 4 × 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 × 3 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, जैड की वैल्यू की आ गई 3/2, कैंसल नहीं हो रहा तो जैड की वैल्यू उदी रह जाएगी, चैक करने लिए जैड की जगह उन्होंने पुट कर दो, 4z की जगह 3/2 + 3 = 6, 2z की जगह 3/2, 2 × 2 कैंसल हो गया, 2 × 4 कैंसल हो गया, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = +3 + 6, 3 × 2 = 6, 6 + 3 = 9, 6 + 3 = 9, LHS = RHS। फिफ्थ सम 2x - 1 = 14 - x, एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव से इधर जाके पॉजिटिव, 2x + x, 14 - 1 से इधर जाके की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 14 + 1 = 15,
टू एक्स प्लस एक्स की हो जूगी 3x। जो आप इतना ऐड कर दें एक्स एक बार लिखा जाऊगा, नंबर जोड़े होंगे वो ऐड हो जाते होंगे। हूँ 3 इधर नैग मल्टीप्लाई तो दूसरे डर जाके की हो जाएगा डिवाइड, 5 3 15, एक्स की वैल्यू किनी आएगी 5। वही वैल्यू तुम्हें चैक करनी एक्स जगह पर पुट करती, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम 6 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 8x प्लस 4 होना 3 नू, मैं पहले एक्स में मल्टीप्लाई करके 3x माइनस होते हैं 3 1 3 प्लस 7 8 चो इन इधर रख लो 8x प्लस 4 3x 4 7 चो 3 माइनस करो की आ जाएगा प्लस था 4 होना 3 इधर चला जाएगा 4 इस साइड आ जाएगा 4 चो 4 माइनस करो 0 8 चो 3 माइनस करो 5 5 नू 0 ना डिवाइड करो 0 ही आ जाएगा। चैक करने लिए वैल्यू च पुट करके देखो, चैक हम तुम खुद करके देखोगे। 7 सम एक्स इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट के एक्स प्लस 10 आ। हूँ इतने देखो 5 इतने डिवाइड चा तो दूसरे सर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जू 5x आ गया, 4x प्लस 10 मल्टीप्लाई जो इधर रहने दो, 4 नू एक्स ना मल्टीप्लाई 4x 4 नू 10 ना मल्टीप्लाई प्लस विचकार उदा ही रह जाएगा 5x। हूँ 4x इधर प्लस दस इधर आके हो जू माइनस है 4 10 सर 40 5 टू 4 माइनस करो x x की वैल्यू कितनी आ गई 10। चैकिंग करने लिए तुम x की वैल्यू पुट कर दोगे 40 4/5 40 प्लस 1 50 5 टाइम्स आ 50 10 4 ना मल्टीप्लाई करो 40 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है 8 सम 2x ओवर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। हुण ये x वाले नंबर एक साइड लेके जाने इन्हें इधर ले जाओ, माइन प्लस 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा 2x ओवर 3 7x/15 की है प्लस इस साइड जाके की हो गया माइनस है माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 चो 1 माइनस करूँगे 3 माइनस 1 2। हूँ इतने 5 तो 3 का तुम एलसीएम लेना 3 15 का, सॉरी 3 1 3 5 3 का 15 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू की आ गया एलसीएम थोड़े को 15। हूँ इतने 15 ही रहन था 3 नू 15 से डिवाइड करो की आ जाएगा 5, जोड़ा 5 आए उन्होंने उपरले नंबर में मल्टीप्लाई कर देने 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 15 15 से डिवाइड करूँगी 1 1 नू 7 7x में मल्टीप्लाई करूँगी 7x ही आ जाएगा 10x 5 टू का माइनस 7 इज इक्वल टू 2/15 इधर। हूँ 7 10 चो 7 माइनस करो 3 आ गया, हूँ 3 नू 15 से कट कर लो की आ गया x/5 इज इक्वल टू 2। हूँ आ जरा 5 एसड जाके की हो जाए मल्टीप्लाई तो एक्स वैल्यू की है कि 5 मल्टीप्लाई 2 की आ गई 10। वही वैल्यू तुम इधर पुट कर देने एक्स की जगह पर 2 × 10/3 7 × 10/15 इन सॉल्व कर लो 5 2 10 5 3 15 2 10 20 प्लस 1 7 2 14 प्लस 3 हूँ इनू 1 लैके 3 1 एलसीएम 3 आ गया, इन मल्टीप्लाई 3 उपर इतने भी 1 मल्टीप्लाई 3 3 9 हो गया। सॉल्व करके वैल्यू सेम आ जाएगी। 9 सम 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। हूँ माइनस है वाई इस साइड जाके प्लस हो जू, 5/3 इधर जाके की हो जाए नैगेटिव हो जाएंगे 26 चो 5 माइनस करो 21/3 आ गया, 2 चो 1 ऐड करो 3y आ गया। हम y दी वैल्यू 7 3 21 7 y की आ गया 7/3, यही वैल्यू तुम्हें इस पुट कर देनी है चैक करने लिए। लास्ट सम 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 2/5। हूँ इधर 5 आ, इस दूसरी तरह जाके की हो जूगा माइनस आ 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। 3 चो 5 माइनस करो माइनस 2m इधर माइनस 8/5, नैगेटिव नाल नैगेटिव कैंसल हो सकता इक्वल दे विच ने तो 2m इज इक्वल टू 8/5 रह गया। हूँ आ 2 इधर की सी मल्टीप्लाई इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई 2 2 1 2 4 2 कैंसल हो गया 4/5 थोड़े को वैल्यू आ गई। उही वैल्यू तुम्हें चैक कर ली, वैल्यू पुट करके देख लेनी, इतक थोड़ी जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।